सो गाइस वेलकम बैक टू कलाकार। आज हम बैठे हैं बिटारा ब्रेजा में, 2017 मॉडल है ये, और अभी मैंने इसकी कुछ रील्स वगैरह बनाई है तो वो खत्म करी है। और अब हम बताएंगे फुल वीडियो में आपको इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाता है और क्या क्या नहीं मिलता है। अभी मैं सो के उठाऊँ तो इसके लिए माफ करना, ये नहा के निकला है तो इसको अच्छे से एच लग रहा है इसलिए। हाँ सर, तुम्हारा भाई अलग ही लग रहा है। चलो कैमरा अच्छा हो गया मेरा ना। तो भाइयों यहाँ शुरुआत करते हैं इस चीज की। इसमें आपको दो जगह मिल जाते हैं सामान रखने के लिए, एक तो ये है और एक ये है। सो एक तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि बहुत इसको जो ये स्पेस खाली होता है ना, इसको यूज कर दिया गया है यहाँ पे। बहुत सी गाड़ियों में यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ब्रेजा ने यहाँ पे इसको यूज में ला दिया है, तो आई लाइक दिस। और अब बात करें अगर इसके इंटीरियर की तो ये कुछ ऐसा सा इंटीरियर है इसका। यहाँ भी आपको दो मिल जाते हैं ग्लास होल्डर और यहाँ मिल जाता है आपको चार्जर, ठीक है। और साइड में देखें तो यहाँ भी एक चीज है, ये ऑक्स के लिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपने ऑक्स लगा सकते हो और USB लगा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ छोटा मोटा स्पेस है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है गाइस, तो ये मत सोचना आप। बाकी अभी AC चल रहा है, इसको थोड़ा धीरे कर लेते हैं, साउंड आ रहा होगा आपको बहुत तेज, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो ऐसा आपको डिस्प्ले है भाइयों इसका, RPM मीटर मिल जाता है। बीच में आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इस गाड़ी में, क्या क्या होना है, क्या क्या ऑफ है। और अभी गेट खुले हुए दिखा रहा है भाई, ठीक से भाई गेट खुला हुआ दिखा रहा है रोहित। बाकी आपको स्टीयरिंग पे सारे के सारे मिल जाते हैं कंट्रोल्स, कॉल उठाने के लिए और कॉल ना उठाने के। तो भाई ऐसी है कुछ ये गाड़ी, ठीक है। तुमने गाड़ी देख ली है, मैं फटाफट से रिव्यू कर देता हूँ भाई, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास ना, बड़े बिजी बंदे हैं हम। यहाँ पे आपको ना लाइट्स मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसमें, नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प और ये है इंडिकेटर। और भाई एक बार इंडिकेटर ऑन करियो, ये देखो सबसे बड़ी बात, ये देखो यहाँ पे आगे इंडिकेटर दिए गए हैं और साइड में भी इंडिकेटर दिए गए हैं भाई। यहाँ पे कौन देखेगा कि मैं राइट लेने वाला हूँ लेफ्ट लेने वाला हूँ। खैर कुछ भी हो, बाकी गाड़ी से मिल जाता है आपको 1400 cc का इंजन, ठीक है। बाकी ये टायर साइज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक 17 इंची के हैं, 16 इंची के हैं, और साथ में ये कंपनी फिटेड है सब कुछ भाई। 328 लीटर का बूट स्पेस है ये, पता है आपको। और यहाँ भी आपको एक सॉकेट दिया गया है यहाँ पे एक चीज़ के लिए, ये चार्ज करने के लिए नहीं होता है, किसी चीज़ के लिए होता है कोई और काम के लिए, मुझे पता नहीं है, भूल गया हूँ मैं भी। तो पीछे भी आपको मिल जाते हैं वाइपर, ये सब कुछ है इन सब में। बाकी बिल्ली से मिलो गाइस। हाँ तो गाइस ऐसी है कुछ ये गाड़ी, तो बताना आपके पास अली गाड़ी है कि नहीं है, अगर है तो कैसी लगती है आपको अली गाड़ी। अब चलता हूँ गाड़ी के अंदर, जल्दी आ फिर। बाकी एक बात याद रखियो, लेवल सबके निकलेंगे। लेकिन आगे वही निकलेगा जो साथ में खड़ा रहे। यस चलो बाय। सो गाइस आपने देखा अभी विटारा ब्रेजा का मैंने फटाफट से रिव्यू कर दिया, बाकी अब चलते हैं आगे और इसमें और घूमेंगे फिरेंगे, तो तुम्हें वो दिखाता हूँ मैं अब कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ाई झगड़ा होता है, कैसे नहीं होता। लड़ाई झगड़े ये पहुंच के बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ आ जाओ, टाइम लगता है भाई आने में, ट्रैफिक है रोड पता कितना है। और क्या लेफ्ट कहाँ से ले रहा हूँ ये बोला था, लेफ्ट तो वो कर गई सीन करके लेफ्ट कर गए। सीन भी कर लिया फिर लेफ्ट भी कर दिया, और अब तो ब्लूटिक भी नहीं आते भाई। लगता ब्लॉक ब्लूक कर दिया बता दे भाई, सेटिंग चेंज कर दी उसने। तुझे एक बात पता है, हेलो तुझे एक बात पता है, पता है बता, लेवल सबके निकलेंगे। पर निकलेगा आगे वही, तू बच्चा है क्या गाइस, ये देखो फोटो देखो। छोटा लग रहा है बड़ी गाड़ी है, स्पेसियस गाड़ी है बहुत स्पेसियस। यस देखो भाई हाय करते भाई, क्या हाल है भाई, काफी टाइम हो गया मिले नहीं, हम गया होता आउट ऑफ दिल्ली, सॉरी आउट ऑफ इंडिया। अभी मेट्रो से उठा है, अभी मेट्रो से उठा है, मेट्रो से आया सीधा। तो कैसे आया है, चेक तो बन, ये बंदीबाजी एक तो इनकी बैंड की। क्या तुम्हें पता है इसका विटारा विटारा ब्रेजा का मतलब क्या है, ब्रेजा नहीं पता, सोच के बता।
रजा का मतलब क्या होगा? रजा का मतलब क्या होना चाहिए? बट तू छोड़ देते, मेरी मांग ऐसी भी नहीं है बेटा। रहा रजा का मतलब होता है भाई, ताजी हवा और विटारा का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, मतलब की जीने का तरीका। उसका मतलब होता है ऑसम ऑफ लाइफ, ऐसे बताना भाई। ग्रैंड का मतलब होता है ग्रेट, और विटारा का मतलब होता है भाई वे ऑफ लाइफ, मतलब ग्रेट लाइफ, ऐसे पूछता हूँ। उसका मतलब ये होता है। तो भाइयों मतलब हो गया है जिंदगी ताजी हवा, समझ रहे हो? ताजी हवा लो इस गाड़ी में, इसका मतलब ये होता है। सुबह एक मुट्ठी। सो गाइस, गाड़ी का ब्लॉग यहाँ पर खत्म होता है, हमारा पर्सनल ब्लॉग शुरू होता है। चलो वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करती? नहीं करेगी। क्यों नहीं करती? पूछ के बताना। मम्मी मैं मोमोज खाने आ गया। भाई ये कौन सा इलाका भाई, बताना जरा एक बार। वायु नगर में आया भाई आज मोमोज खाने के लिए। ये सारा इलाका यहाँ पे आपको लाफिंग मिल जाएंगे, जो लाफिंग मिलते हैं आपको वहाँ पे जहाँ पे अम्बा कैफे है, जहाँ पे अम्बा मजनू का टीला पे वो वाले लाफिंग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, तो आप खा सकते हो। देव डाल रहे मसाला उसके ऊपर, गाड़ी में खाएंगे। क्या लिया भाई? लाफिंग लिया और मोमोज लिए। मोमोज इसलिए खा लो। दिलजीत पाजी आई लव यू, गान हार दिया अपने बैंड की जो कनाडा में। मजा आ गया देख के, मां कसम। सो गाइस वी आर बैक, अब आए हम यशवंत पैलेस और यहाँ पे हम खाएं मोमोज अगेन। आज का दिन मोमोज के नाम पे है। मैं कह रहा हूँ यहाँ के मोमोज अच्छे होते हैं ना। मोमो यहाँ के अच्छे। इफ यू वांट टू ट्राई मोमोज, गो फॉर यशवंत पैलेस। जूसी मोमोज। अभी हमारा एक भाई है शिलोम, उसके लिए पैक करने के लिए आए हैं। उसके लिए स्पेशल आए हैं हम, तो उसके लिए पैक करवाएंगे और हम खुद खाएंगे। मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा खाते हुए क्योंकि बहुत तीखे होते हैं भाई, कसम से भाई जल जाती है जैसे। अच्छे होते हैं। हाँ अच्छे होते हैं। अभी वाले भी ठीक थे। हाँ ये अच्छे थे भाई। चेक करो क्राउड, चेक करो। सब सोचते हैं हम बड़े ब्लॉगर हैं, जो कि हैं गाइज। लेवल सबके निकलेंगे। बोलना पर निकलेगा वही जो यहाँ के मोमोज खाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ करेंगे तो सही है, नहीं दिखा पाया तो ये व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर दूंगा, ठीक है? आगे हम मिलेंगे कल, मतलब कहाँ मिलेंगे? हम मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आईडी है कलाकार 11111, चार बार वन है। तो वहां बात करेंगे, ठीक है? वहां फॉलो करना और वहां बात करेंगे। चलो अपना ख्याल रखो, पहुंच काटो, बाय। बोले एक होगा दो खोगा दो।